सारे दर्शकों का गुरप्रीत अमल वालों स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करा वड्डी खबर के नाल दस दिए कि खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला के कतल मामले ते तार कितना कितने राजस्थान यानी कि गुआढ़ी सूबे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस बाबत मानसा पुलिस दियां तीन टीम जांच के लिए राजस्थान के लिए रवाना हुई। इस वक्त की वड्डी खबर है, दस दिए कि मानसा पुलिस दियां तीन टीम जांच के लिए राजस्थान के लिए रवाना हुई ने। सो कितना कितने तार गुआढ़ी सूबे जुड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। पुलिस बहुत बरीकी के जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की। सो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड जुड़ी हुई अहम खबर, सिद्धू मूसेवाला के कतल मामले के तार ने जोड़े वो राजस्थान के जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हुण तक जिन्हें भी कह सकते हैं कि गिरफ्तार किए हुए हैं या फिर मामले संबंधित हिरासत के लए हुए हैं उन्हों सारे तो बरीकी के पुलिस पड़ताल की जा रही है। तो साढ़े सहयोगी कुलदीप फोनलाइन पर मौजूद ने, मामले संबंधी होर जानकारी की सांझ पाउणगे। कुलदीप, जेकर गल की जाए तो कितना कितने जिथे गुआढ़ी सूबे के नाल हुण तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरे कतलकांड मामले के नाल, उत्थे अहम जानकारी की है इस पूरे मामले नूं लैके हुण तक दी? देखो, दसना चाहूंगा जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के नाल राजस्थान के तार जुड़ रहे हैं। पिछले दिनी जो छेवां शूटर से दीपक मुंडी गिरफ्तार किया गया, उसके नाल रजिंदर जौकर से कपिल पंडित भी गिरफ्तार होए थे। हुण जिहड़ी दीपक मुंडी तो लगातार पुछगिछ की जा रही है, पुलिस पुछगिछ के जोड़े अहम खुलासे हुए ने राजस्थान के नाल जोड़े तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि दीपक मुंडी ने खुलासे किए हैं कि राजस्थान के ही ज्यादातर लॉरेंस बिश्नोई का जोड़ा गैंग चल रहा है, इतों ही इसे राजस्थान के थ्रू ही जोड़े सिद्धू मूसेवाला कतल किया गया, हथियार ने जोड़े वो सप्लाई हुए थे। जिहड़े तार ने वो राजस्थान के नाल जुड़ रहे ने। राजस्थान के वख-वख ठिकाणे ते छापेमारी करन दे लई अज मानसा पुलिस दी जिहड़ियां तीन टीमां राजस्थान नूं रवाना होईयां ने। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा तमाम जानकारी दी सांझ पाउण दे लई।